जिस हिसाब से पिछले 4 घंटे से अपने लॉस सैंटोस के अंदर बारिश हो रही है ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा है गाइस यार पिछले 2 दिन तक अब कंटिन्यू यार लॉस सैंटोस के अंदर बारिश होने वाली है। और इन दोनों को देखो गाइस कब से यार गाड़ी पर बैठे हुए हैं। मैंने गाइस इनको मना कर दिया कि भाई मैं तुमको मेले पर नहीं लेके जाऊंगा नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन गाइस पिछले 2 घंटे से ये भी यार जिद पकड़े हैं कि भाई ये जाकर रहेंगे मेले पे। सिंचन के बच्चे गाड़ी से उतर के आजा भाई, इतनी यार बारिश में तू कहीं मेले में जाएगा? अरे फ्रेंगल भैया मेरे को नहीं मेरे साथ साथ चौक को भी जाने, प्लीज यार चल लेना फ्रेंगल भैया कैसे। अरे सिंचन अगर भाई मेले में चले गए ना तुम्हारे साथ तो पक्का भाई तो मेरे 10 या फिर 15 हजार का खर्चा तो करा ही दोगे। लैशर से पूछ के आता हूँ इसके पास पैसे वैसे पड़े क्या? ओए लैशर किधर गया भाई? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो गाइस यहीं बेड पर बैठ के लैपटॉप चला रहा था, अब कहाँ चले गया? बड़ी जल्दी गायब हो जाता है यार, पता नहीं कहाँ चले गया, पूरा का पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। और गाइस आप लोग सोच रहे आखिरकार मैं सिंचन चौप या लैशर घर पर कर क्या रहे? गाइस जो मेरा घर है ना वो पूरा का पूरा यार रिपेयर हो रहा है, इसलिए गाइस हम अपने घर पर है नहीं यार इस टाइम। पिछले 2 दिन से गाइस हम यार लैशर के घर पर ही रह रहे हैं। चलो एक काम करता हूँ गाइस, मैं भी यार घर पर क्या ही कर रहा हूँ, निकलता हूँ सिंचन और चौप को लेके गाइस मेले की तरफ, आज इनको मेले में घुमा के लाए। हाँ चलो फ्रेंगल पे चलो, सच में बहुत मजा आएगा यार, तुम्हें क्या पता बारिश में जब भी मेले में जाते हैं ना तो झूले झूलने में और इंटरेस्ट आता है। और भाई साहब को ले जब भी मैं मेले में जाता हूँ ना भाई साहब 4-5 लोगों के तो भाई साहब पैर ही उधेड़ देता हूँ। अरे चौप के बच्चे अगर तूने आज किसी के भाई पैर को काटा ना तो याद रखियो भाई मैं तो नहीं आने वाला तेरे को बचाने। अब भाई साहब कोई अगर मेरे को मारेगा ना डंडे से भाई साहब उसके भी पैर उधेड़ दूंगा, कल भी मेरे को तेरी जरूरत तो है ही नहीं। अरे चौप के बच्चे तेरी वजह से ना यार हर बार यार फ्रेंगल भैया को यार लड़ाई करनी पड़ जाती है लोगों से, तो क्यों पैर उठेड़ता है यार लोगों के? अब भाई साहब ये ना मेरा शौक है भाई साहब, मेरे को बचपन से शौक है और भाई साहब बहुत मजे भी आते हैं। और सिंचन तुझे पता है भाई आज ना सिंचन हमारे घर पर यार मेरा एक काफी पुराना यार स्कूल का दोस्त आने वाला है, और सिंचन तुझे पता है वो ना यार बहुत ज्यादा अमीर है यार। आज सिंचन पता नहीं उसको मेरी कैसे याद आई, सुबह सुबह सिंचन उसका कॉल भी आया था, अरे सच बताओ कोई अमीर बंदा आने वाला है क्या? और क्या सिंचन बचपन का दोस्त है वो मेरा, मेरे घर आएगा, लेकिन गाइस मेरे घर पर उसे मैं कहां पर रखूंगा यार, पूरा का पूरा घर गाइस रिपेयर हो रहा है यार। चलो कोई नहीं गाइस बाहर उसे कुर्सी डाल के बिठा देंगे और साथ ही साथ में उससे बातचीत भी कर लेंगे, और मैं तो उससे पूछूंगा आखिरकार यार तो मेरे को क्या दिलाने वाला है, क्योंकि वो तो बहुत अमीर है ना। सिंचन तुझे नहीं पता भाई उसके पास कितनी महंगी महंगी कार है, पता नहीं सिंचन आज कितनी कार लेके आने वाला है वो। तो ले सिंचन भाई पहुंच चुके हैं भाई हम फाइनली मेले पर भी। अरे फ्रेंगल भाई उससे पक्का यहाँ पर कोई जोकर आया होगा यार डांस दिखाने के लिए, चौप जो भी जोकर होगा ना जाके यार उसकी तूने पैर को काट दिया बहुत मजा आएगा। सिंचन भाई मेरे ख्याल से आज तो यार मेला क्लोज है, ये चक्कर यहाँ पर तो भाई बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मैं समझ गया सिंचन बारिश की वजह से यार मेला सिंचन क्लोज रखा है, सारी की सारी दुकानें भी सिंचन बंद पड़ी है। अरे बाबरे ऐसे क्यों है फ्रेंगल भाई मुझे क्या पता सिंचन, आई थिंक ये झूले पर सिर्फ और सिर्फ लाइट जल रही है सिंचन, ये चालू नहीं है देखना, कोई भी झूले पर झूल नहीं रहा। अरे लेकिन झूला चल रहा है देखो ध्यान से देखो फ्रेंगल भैया। अरे हाँ सिंचन कहते तो सही रहा यार झूला तो चल रहा है, लेकिन गाइस कोई भी इस पे बैठा नहीं है, और साथ ही साथ में यार यहाँ पर झूले का ओनर भी नहीं है जिससे गाइस हम टिकट परचेज करके यार झूले के ऊपर चढ़ गए। लेकिन वेट 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 भाई वहाँ पर क्या हो रहा है इतनी लंबी लाइन, वहाँ पर लगता है भाई कुछ फ्री में मिल रहा है, मैं गाइस फ्री की चीज बिल्कुल नहीं छोड़ता, लेट्स गो भाई चलते हैं। हेलो भाई मोटे अंकल ये बता आखिरकार यहाँ क्या फ्री में मिल रहा है? यहाँ कुछ फ्री में नहीं मिल रहा बेटा, यहाँ पे बाबा जी का आशीर्वाद लेने हैं। बाबा जी का आशीर्वाद? अब कौन सा बाबा जी है, बाबा जी तो वैसे तेरे पीछे खड़ा है ये खड़ा, मैं भी तो देख के आऊँ गाइस ये लोग भाई इतनी लंबी लाइन लगा के भाई किस बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए हैं, यहाँ पर ये कौन बैठा है भाई? अरे बाप रे ये कौन है यार, इसके हाथ देखना गाइस इसके हाथ कितने बड़े हैं यार। अरे सामने से हट जाओ, अभी बाबा जी मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन करने के बाद वो मेरे को बताएंगे आखिरकार मैं अमीर कैसे होऊंगा अपनी लाइफ में, बहुत ही ज्यादा गरीब चल रहा हूँ। अरे अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तू अमीर हो जाएगा? बिल्कुल, ये बाबा जी ने जिसको भी बोला है ना कि तू अमीर हो जाएगा अपने मुँह से वो 2 घंटे के अंदर अंदर अमीर हो गया है। देखियो मैं अमीर होऊंगा जब तू भी लग जाए तू भी अमीर हो जाएगा। अरे चलने ऐसा फालतू की बातें हैं, वैसे गाइस मैं ना यार एक बार चेक करूंगा अगर इस बाबा ने इस बंदे को बोला के भाई ये अमीर हो जाए, देखता हूँ गाइस 2 घंटे के अंदर ये अमीर होता है या नहीं होता। वैसे तो गाइस ये सब फेक बातें हैं, लेकिन कुछ भी कहो गाइस ये जो बंदा बैठा है ना यार ये काफी यूनिक है यार, देखना अजीब ही शक्ल है इसकी और कपड़े भी काफी डिफरेंट पहन रखे हैं इसने। लेट्स गो सिंचन और चौप को भी लेके आते हैं भाई यहाँ पे। ओए सिंचन सिंचन अरे फ्रेंगल भी बताना क्या मिल रहा है भाई वहाँ पे फ्री में? सिंचन के बच्चे कुछ फ्री में नहीं मिल रहा, जल्दी आ वहाँ पर सिंचन कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, देखो तो सही भाई बाबा आखिरकार कैसे जागता है। अरे बहुत अच्छे बाबा जी को होश आ गया, बाबा जी बाबा जी सबसे पहले मेरी इच्छा पूरी करो। अरे ये कर क्या रहे हैं बाबा जी? मटकट साइड हट जा वरना अभी तेरे मुंह पे फूंक दूंगा गायब हो जाएगा। अरे नहीं बाबा जी मुझे गायब नहीं होना, मैं बहुत देर से लाइन में लगा हुआ हूँ, बताओ बाबा जी मैं अमीर हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा? अमीर तो मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन रुक जाओ मेरे को मेरी एक्सरसाइज तो करने दे। अरे बाबा जी ये किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो, वैसे आपने अपना नाम बाबा जी क्यों रखा? चुपचाप से खड़ा रहे समझ रहे, मेरा नाम ढोंगी बाबा है और सब मुझे ढोंगी बाबा ही कह के बुलाते हैं। अब बता तेरी क्या समस्या है? मुझे बाबा जी
बहुत ज्यादा अमीर बनना है अपनी लाइफ में, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। अच्छा बहुत गरीब है, जा मैंने तुझे बोला तू अमीर हो जाएगा, ओ बहुत अच्छे। बाबा ने बोला ओए तू 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 आए थे मेरे पास, बाबा ने बोला मैं अमीर होऊंगा। अच्छा बाबा ने बोला क्या? लेकिन भाई मेरे समझ नहीं आ रहा गाइस, वो वहां पर कर क्या रहा है भाई? मेरे ख्याल से गाइस इसने यार कोई कॉस्ट्यूम वगैरह पहन रखा होगा यार। चलो चलो मैं तो निकलूं, मुझे क्या मतलब किससे, बस बोल दिया ना मैं अमीर हो जाऊंगा, अब तो बस मैं अमीर हो ही जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी दुनिया की पावर नहीं रोक सकती अमीर होने से, बहुत अच्छे मैं तो बहुत खुश हूं। मुझे गाइस यार उस पर नजर रखनी चाहिए, देखता हूं गाइस यार वो अमीर हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। यहां पर पता नहीं भाई किसकी साइकिल थी, मैं तो लेके निकल गया, वो बंदा किधर गया होगा? अरे ये तो खड़ा सामने है, लेकिन इसके साथ ये क्या हो रहा है? अरे इसकी बॉडी के अंदर से पानी कैसे निकल रहा है? अरे तू मेरे पास फिर आ गया, ये देख असर होने लग गया, देख मुझे लगता है मैं अमीर होने वाला हूँ। अरे तेरी बॉडी के अंदर से पानी कैसे निकल रहा है भाई, जरा साइड हटी हो तो। अरे क्या कर रहा है ये ले, अभी देखता हूँ ये बॉडी में से निकल रहा है ना। अरे हाँ गाइस इसकी बॉडी के अंदर से पानी निकल रहा है यार, भाई क्या बढ़िया पावर है यार इस बाबा के अंदर, बोला था ना बढ़िया पावर है, ये ले एक और घुसा का। मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ये तेरी बॉडी के अंदर से निकल रहा है ना भाई ये पानी। अरे हाँ भाई ये पानी मेरी बॉडी के अंदर से निकल रहा है, दो घुसे मार दिए तूने दो घुसे। अरे सॉरी भाई सॉरी। अब गाइस कुछ भी करके यार मेरे को उस व्हाइट कलर के बाबा को यार किडनैप करना होगा और गाइस अपने घर लेके जाना होगा। एक बार गाइस अगर मैं इसे पकड़ के अपने घर लेके चले गए ना, फिर तो भाई ये मेरे को काफी अमीर कर सकता है। इतना तो डन हो गया गाइस, इसके अंदर भाई काफी सारी यूनिक पावर है, देखा नहीं गाइस आपने उस काली सेट वाले बंदे के अंदर से गाइस कैसे पानी निकल रहा है भाई? बताओ इंसान के अंदर से पानी ऐसे बाहर निकल सकता है क्या? अरे फ्रेंगल भाई यार यहाँ पर झूले का ऑनर नहीं है तो क्या हो गया यार, मैं तो जा रहा हूँ झूले में झूलने के लिए, आ जाओ भाई झूले का क्या? अब ऐसे झूल जाएगा तू? अरे मेरा मन कर रहा है फ्रेंगल भाई चुपचाप से यार इस कटोरी के अंदर बैठ जाता हूँ, फिर तो यार घूमता रहूंगा, लेकिन यार कोई फायदा नहीं है गाइस, देखना ये कितना स्लो चल रहा है यार झूला, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। चलो एक काम करता हूँ दूसरे झूले के पास चलता हूँ, क्या पता यार वो ऑन हो। ये वाला कौन सा झूला है? अच्छा इसके अंदर बैठते हैं और ये अचानक से ऊपर की तरफ जाता है, समझ गया। लेकिन यार यहाँ पर भी कोई नहीं है, किससे पूछना पड़ेगा, लेकिन आसपास भी तो कोई नहीं। ये रहा दिख गया। ओ अंकल 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 अंकल, ओ बेटा धक्का धक्का दिया है कौन तू? अरे अंकल मुझसे डरना मत, तूने धक्का दिया चाटे में लुटका दूंगा। अरे लुटकाने से पहले सुन तो ले यहाँ के ओनर का है। अरे फिर घुसा घुसा मारा, अरे भागो भागो भागो। अरे अंकल डर क्यों रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे यार ये तो डर के चले गए। अबे सिंचन के बच्चे तू यहाँ पर खेलने के लिए आया क्या? यहाँ पर सिंचन तुझे पता है एक बंदा है सिंचन, उसके अंदर पता नहीं कौन सी पावर है, जिसको भी सिंचन वो बोलता है ना तू अमीर हो जाए, तो सिंचन वो ना यार थोड़ी देर में अमीर हो जाता है। अरे ये सब तुमको किसने बता दिया सिंचन? पहले तो भाई इसकी बात पर मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन सिंचन अभी भाई मैंने उसको देखा, उसके अंदर से सिंचन भाई पानी निकल रहा है उस इंसान के अंदर से। अरे तो वो अमीर थोड़ी ना हुआ, उसके अंदर से बस पानी तो निकल रहा है। अबे सिंचन अब तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुन सिंचन, जब तक मैं यहाँ पर आने जाता ना तू भाई हिलियो मत, समझ रहा, गाड़ी के पास ही रहे। और एक काम कर गाड़ी के अंदर बैठ जा। अरे पर जा करे हो गाइस, मैंने यार अपनी ये गन निकाल लिया, ये ना भाई काफी पावरफुल है। रो गाइस मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर एक दो तीन, ये लो भाई साहब देख रहे हो गाइस फुल टू फुल। और ये लोग भी डर गए क्या? ये ले अंकल, ओ भाई ये कहाँ था भाई, यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ कर गिर गया। और गाइस कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ और सिर्फ बंदे को करंट लगता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो मेरा प्लान सिर्फ यही है कि मैं उस बाबा को पकड़ लूंगा इसकी हेल्प से। लेकिन वेट, वो बाबा कहाँ गया भाई? यहीं पर था। ओ हेलो वो बाबा कहाँ गया? अरे तुमने भगा दिया, तुमने जैसे ये गन चलाई वो सबसे पहले भागा। वहाँ पर भाग रहा है क्या? वहाँ पर तो कुछ और ही लोग भाग रहे हैं, मतलब वो भाग गया। हाँ वो डर के भाग गया। अरे ऐसे कैसे भाग गया? गया कहाँ? पीछे गया है, पीछे लेफ्ट की तरफ, पीछे लेफ्ट की तरफ। छोड़ूंगा नहीं भाई, आज तो पकड़ के रहूंगा इस बाबा को। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसको चलाऊं और ये लो, ओ भाई साहब दो तीन लोग तो उड़ी गए। कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ी देर में तुम्हें होश आ जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ करंट लगा है। लेकिन उससे पहले गैस मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं यार, अभी मेरे को कितना भागना पड़ेगा यार, पता नहीं वो कहां चले गया। वैसे ज्यादा दूर तो गाइस वो जाएगा नहीं, अगर पानी में कूद गया तो फिर भाई मैं उसे पकड़ ही नहीं पाऊंगा। चलो गाइस पहले पी लेते हैं यार, काफी गर्मी हो रही है, बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गाइस काफी गर्मी हो रही है अपने लॉस एंटोस में। अरे फ्रेंगल भैया कहां जा रहे हो? रुक जाओ फ्रेंगल भैया। अबे सिंचन के बच्चे रुको, उस बंदे ने बोला था भाई वो लेफ्ट की तरफ गया है, गाइस मैं जा तो रहा हूं। ओ वेट सामने से गाइस कोई आ तो रहा है यार भगते भगते। मेरे ख्याल से गाइस ये वही है, लेकिन यही यार इसका शरीर गायब कैसे हो सकता है? ओ ये तो वही है गाइस, जल्दी अपनी गन निकालता हूं, ये तो वही है भाई साहब। इसके अंदर कुछ तो यूनिक पावर है। गया क्या? ओ नहीं पानी में, मुझे लगा पानी में गया। चलो अच्छी बात है गाइस पानी के अंदर नहीं गया, अगर ये पानी के अंदर गिरता ना तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अभी इस टाइम गाइस ये बेहोश हो चुका है, लेकिन गाइस मैंने अपनी आंखों से देखा भाई, पहले गाइस इसका मुझे पूरा का पूरा शरीर दिखा, उसके बाद जब मैंने ध्यान से देखा भाई ये मेरे को ब्लैक ब्लैक दिखा, उसके बाद दोबारा से इसका शरीर दिखा, फिर मैंने इस पे गन चला दी। चलो गाइस अब अपनी गाड़ी लेके आता हूं और गाड़ी के अंदर इसे बिठा के यार फटाफट से निकलते हैं अपने घर की तरफ। और यार मेरा दोस्त भी आ रहा होगा गाइस, अपने दोस्त के आने से पहले यार इसको मेरे को अपने घर पर लेके जाना है और इससे पूछना है भाई आखिरकार तेरे अंदर कौन सी पावर है, जो भी तेरे अंदर पावर है प्लीज भाई तू हमारे अंदर भी एक्टिवेट कर दे। तो फाइनली गाइस यार अभी से हमने यार अपनी गाड़ी के ऊपर तो लिटा दिया है, क्योंकि गाइस यार ये इतना भारी है मैं आपको क्या ही बताऊं यार, काफी देर लगी गाइस इसको ऊपर लिटाने में। और गाड़ी के अंदर तो गाइस ये लेट ही नहीं पा रहा था, इसका शरीर काफी बड़ा है यार, गाड़ी के अंदर घुस ही नहीं रहा था गाइस, लेटेगा कहां से?
और फ्रेंकल भैया ये चेक करे यार, मैं और चौप यार कितने मजे से आगे बैठे हुए हैं। सिंचन गिर मत जियो, अरे मुझे फुल एक्सपीरियंस है, मेरे को तो इसका डर लग रहा है, अगर ये फ्रेंकल भैया गिर गया तो इसका क्या होगा भूत का। आ भाई एक्सीडेंट हो गया। वैसे सिंचन मैं तो ये सोच रहा हूँ, सोच अगर इसको यार होश आ गया तो ये तो सिंचन झटपटाने लग जाएगा अचानक से। कहीं सिंचन ऐसा ना हो यार ये तुझे मुझे चौप को भाई यहीं मार दे। अरे कुछ भी हो सकता है फ्रेंकल भैया, इसके होश आने से पहले घर पर लेके चले से। हाँ सिंचन चल रहे भाई, अब तो गाड़ी को डायरेक्ट भाई घर पर ही रोकूंगा। अरे मुझे फ्रेंकल भैया भूख भी लग रही है, पहले रेस्टोरेंट पे रोको। पागल हो रहा है क्या सिंचन, रेस्टोरेंट पे गाड़ी रुकी ना तो काफी मुसीबत में पड़ जाएंगे हम। और मैं तो सिंचन ये भी सोच रहा हूँ ये बंदा अपने लॉस सैंटोस के अंदर आया तो आया कहाँ से। इसके भाई हाथ देखियो कितने बड़े हैं सिंचन, जितना तेरा शरीर है ना तेरे शरीर से बड़ा तो इसका हाथ ही है एक। अरे सच बताओ। और क्या बात सब सिंचन, तूने देखा नहीं बात सब कलवा सही बोल रहा है, इसके बात सब बहुत बड़े बड़े हाथ है। इसके हाथ तो कोई काट लो क्या? अबे नहीं चौप, इसके हाथों को गलती से मत काट लो, इसको होश आ जाएगा, उसके बाद भाई तेरे को चटका देगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होगी। और गाइस जब तक हम अपने घर पर पहुंच रहे हैं आप लोग गाइस जब तक यार इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ में गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। अरे हाँ गाइस यार वीडियो को लाइक कर दो यार। और आपको पता है गाइस मेरे तो स्कूल की छुट्टी चल रही है, मैं तो गाइस घर पर फुल टू फुल मजे कर रहा हूं। आप लोगों की भी गाइस स्कूल की छुट्टी पड़ गई क्या? मेरे तो यार स्कूल की छुट्टी पड़ गई। फाइनली गाइस अभी यार मैं अपनी गली के अंदर तो पहुंच चुका हूं। अरे देखने फ्रेंकल भी हमारे घर का कितने गंदा हाल रखा है। हां सिंचन यार अपना घर रिपेयर जो हो रहा है पूरे के पूरे गाइस रेत वेत पड़े हुए हैं यहां पर, और आई थिंक गाइस यहां पर काफी ज्यादा जाम लगता होगा। वैसे गाइस यहां पर यार गाड़ी आती नहीं है, ये चेक करो। बोलते गाइस एक गाड़ी आ गई, चल सिंचन भाई फटाफट से इंतजाम करते हैं। आखिरकार भाई इसको नीचे हमको रखना कहां है? आई थिंक बेडरूम के अंदर। हां गाइस ये सही रहेगा, बेडरूम के अंदर फटाफट से लेके चलते हैं। और बेडरूम के अंदर रखे ना बस मेरे को सिंपल सी गाइस, इसके मुंह पे थोड़ा बहुत पानी मार रहा है उसके बाद ही आ जाएगा होश में। लेकिन गाइस मेरे को ना अपने हाथ में गन रखनी पड़ेगी, कहीं भाई ये अचानक से भाई मेरे ऊपर चढ़ गया तो फिर क्या होगा? फिर तो भाई ये मेरे को दवाई देगा, काफी मोटा है। तो ठीक है गाइस मैं डन करता हूं यार, अपने हाथ में रखूंगा गन और उसके बाद ही इसके मुंह पे पानी मारूंगा। देखते हैं गाइस इसको होश आता है या फिर नहीं आता। तो गाइस मेरे डायरेक्ट भाई से उठा के यार पानी के अंदर तो फेंक दिया, और ये चेक करो भाई ये होश में भी आ चुका है, आ रहा है। ओ मेरे पास मत आ जाइयो, पहले तेरे को बता रहा हूं मेरे पे गन मत चलाइयो दोबारा। तूने मेरे पर गन चलाई मुझे याद है तेरी शक्ल थी, तूने बहुत तेज गन चलाई और मैं बेहोश हो गया। अब होश आ रहा है, प्लीज गन मत चलाइयो। ओ मैं गन चला दूंगा, थोड़ा दूर रहे, मेरे पास क्यों आ रहा है तू? अरे फ्रेंकल भाई यार ये कहीं तुम्हें पकड़ के खाना जाए। ओए चौप के बच्चे कहां चले गए चौप? चलो गाइस फाइनली ये दूर तो जा रहा है मेरे से। तो भाई एक बात बता, आखिरकार तेरे अंदर ऐसी कौन सी पावर है? तू बस मेरे को अपनी पावर मुझे दे दे, उसके बाद मैं तेरे को यहां से जाने दूंगा। अच्छा तो तुझे मेरी पावर चाहिए? मैं अपनी पावर से तेरे को खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा खत्म, क्योंकि तू बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है मतलब? तू चाहता तो तू मुझे मार सकता था जब मैं बेहोशी की हालत में था, लेकिन तू मुझे अपने घर पर लेके आया। लेकिन तुझे कैसे पता ये मेरा घर है? मुझे नहीं पता होगा तो और किसी पता होगा? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। ये जो पीछे खड़ा ये तुम्हारा भाई है छोटा? अरे हाँ यार मैं तो फ्रेंकल भैया का भाई हूँ। और तुम्हारे घर में एक डॉग भी रहता है जिसका नाम चौप है। भाई साहब इसको इतना सब कुछ कैसे पता? तो भाई तू बता तू अपनी पावर मेरे को देगा या फिर नहीं देगा? मैं तुम्हें अगर अपनी पावर दे दूँ तो तुम मेरी पावर कभी जिंदगी में संभाल नहीं पाओगे, लेकिन हाँ कुछ घंटों के लिए शायद मैं तुम्हें अपनी पावर देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उसमें रिस्क बहुत है। अरे कैसा रिस्क है भाई, तो देना अपनी पावर? नहीं दे सकता, लेकिन देनी पड़ेगी। रुक मैं दे के देखता हूँ। मैं नहीं दे रहा अपनी पावर, मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, खाली पीली अपनी पावर दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? अरे पकड़ा फ्रेंकल भाई पकड़ो, ये तो जा रहा है। ओ भाई चीटिंग करके कहाँ जा रहा है? नहीं दूंगा अपनी पावर। हाँ नहीं तो अगर मैंने इन्हें अपनी पावर दे दी तो मैं तो खाली बन जाऊंगा, फिर तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, फिर मुझे ढोंगी बाबा कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन यार मेरा मन नहीं कर रहा है इनके घर से जाने का, मन कर रहा है जैसे इस घर में मैं रहने लग जाऊं, क्योंकि ये घर का डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो क्या करूं, ये घर ले लूं क्या? अगर मैं इनसे ये घर लूंगा तो बदले में मुझे इनको वो चीज देनी होगी जो ये मुझसे मांगे। तो ठीक है चल के इससे बात करके आता हूँ, अगर ये हाँ कर दे तो पक्का मैं इसके घर को खरीद ही लूंगा, और ये जो मुझसे मांगेगा मैं इसे वो दे दूंगा। लेकिन बदले में अगर इसने मुझसे मेरी पावर मांगी तो फिर मैं इसे अपनी पावर दे नहीं पाऊंगा। भाई 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 अरे क्या हो गया भाई, तू तो दोबारा मेरे पास ही लौट के आ गया, भागा नहीं तू? भागने को तो मैं भाग जाऊं, लेकिन मुझे तेरा घर पसंद आ रहा है। अगर तू मुझे अपना घर दे दे तो मैं तेरे को जो तू मांगेगा वो दूंगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे फ्रेंकल भाई मांग ले इसकी पावर। अच्छा तो चल ठीक है भाई, तू ना मेरे को एक काफी बड़ा प्लेन ला के दे दे, और वो प्लेन ना भाई गोल्ड का होना चाहिए समझ रहे, और फिर उसके बदले मैं तेरे को दे दूंगा भाई मेरा घर ला के देगा। ठीक है अब तू सिर्फ यहीं पर खड़ा रहे, जो तूने मांगा वो तुझे मिल जाएगा। अपने पीछे देख, तेरे पीछे वो गोल्ड का प्लेन आ चुका है जो तूने मुझसे मांगा। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। सिंचन ओए सिंचन जल्दी आ भाई यहाँ पर। गाइस ये तो एकदम प्योर गोल्ड का प्लेन है भाई, लेकिन ये यहाँ पर एक सेकंड के अंदर कैसे आ सकता है? मतलब गाइस इससे मैं जो कुछ भी मांगू ना यार ये देने को हर चीज दे सकता है मेरे को। इसके अंदर गाइस काफी ओपी वाली पावर है, इसको मैं उड़ा भी सकता हूँ क्या? लेकिन गाइस इसको मैं बिल्कुल उड़ा ही नहीं सकता यार, क्योंकि ये ऐसे टेक ऑफ हो ही नहीं पाएगा भाई, ये किस तरीके से पड़ा हुआ है। चलो गाइस इससे चल के ना भाई और भी
भी कुछ मांगते हैं कहीं ये गायब ना हो जाए। वैसे गायब तो होगा ही नहीं, क्योंकि गाइस इसे ना ये मेरा घर काफी ज्यादा पसंद आ चुका है। ये भाई इसमें रहेगा, इस घर के बदले में ये मुझे कुछ भी दे सकता है। तो चलो गाइस और भी कुछ मांगते हैं। हेलो भाई, मेरे को तूने प्लेन तो दे दिया लेकिन तुझे और भी कुछ देना होगा, जब भी मैं तेरे को अपना घर दूंगा। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुमने बोला तुम्हें गोल्ड का प्लेन चाहिए, मैंने तुम्हें लाकर गोल्ड का प्लेन दे तो दिया। अब भाई तू एक काम कर, तू मेरे इस घर को ना गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर दे। नहीं नहीं नहीं, अब ये तुम्हारा घर नहीं है, अब से ये मेरा घर है, तो मैं जैसा करना चाहूं वैसा करूंगा इस घर के साथ। अच्छा चल ठीक है, तो फिर तू एक काम कर भाई, तू ना मेरी टेरिस के ऊपर ना काफी सारा पैसा दे दे और मेरे को गोल्ड दे दे, एसयूवी कार, सुपर कार और डायमंड कार, मतलब जो मर्जी तू, बस इतना सब कुछ दे दे, मुझे अमीर बना दे। तो सीधा सीधा बोलना कि तुझे अमीर बनना है, जा तुझे मैंने अमीर भी बना दिया। अरे लेकिन ये क्या हुआ भाई, अचानक से ये मैं कहां घुस गया? अरे बाहर आ गया, मैं अपने घर पर हूं क्या? ओ वेट, वो तो गायब हो गया, लेकिन गाइस मैं अपने घर पर ही, ये चेक करो ये मेरा घर है। और मेरे घर के बाहर पता नहीं गाइस ये कौन सा फ्लाईओवर बन गया यार, पता नहीं कौन सी सड़क बना दी यार इसने। और ये भी चेक करो गाइस, यहाँ पर भाई काफी सारी मेरे को सुपर कार दिखाई दे रही है और भाई ऑफ रोडिंग ट्रक गाइस मैंने इससे मांगे, ये चेक करो यहाँ पर ऑफ रोडिंग ट्रक भी है भाई। आई थिंक इसने मेरे को अमीर बना दिया गाइस। यहाँ पर मेरे को गोल्ड की क्रेट भी दिख गई, बस इतनी है क्या गोल्ड की क्रेट? और नहीं भाई, यहाँ पर तो भंडार है भाई गोल्ड की क्रेट का। और गाइस मेरे ये समझ नहीं आ रहा भाई, आखिरकार इसने ये भाई फ्लाईओवर बना कैसे दिया यहाँ पर? अरे यार जब गाइस वो यहाँ पर इतनी सारी चीजें ला सकता है भाई सेकंडों के अंदर, तो भाई ये तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो गायब कहाँ हो गया? चलो गाइस गायब होने दो ना भाई, उसने तो मेरे को सच में रियली में अमीर बना दिया, डायमंड भी मेरे को दिख रहा है और साथ ही साथ में गाइस सामने की तरफ यहाँ पर काफी सारी सुपर कार भी है यार। सच में गाइस वो तो यार काफी अलग ही बंदा है। और गाइस सामने ये चेक करो, ये तो पैसे है भाई। अरे हाँ गाइस, इन क्रेटों के अंदर भाई पैसा भरा हुआ है यार, ये चेक करो इतना सारा पैसा भाई साहब, मजे ही आ गए। और गाइस मेरा घर भी यार अब तो काफी मस्त ही लग रहा है। लेकिन ये सिंचन और चौप कहाँ चले गए भाई? अगर ये लोग यहाँ पर आ गए ना, ये तो भाई चौक ही जाएंगे। अभी तक गए सिंचन ने देखा नहीं है कि भाई उस बंदे ने यार मेरे को क्या क्या दे दिया। तो सच में यार सिंचन और भाई चौप तो चौकने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले गए मैं लेके जा रहा हूँ भाई यहाँ से एक सुपर कार, चलते हैं यार एक बार यार सुपर कार की टेस्ट ड्राइविंग लेके आते हैं यार, देखे तो सही आखिरकार भाई सुपर कार चलाने में लगती कैसे है। पता नहीं गए कितना टाइम हो गया यार मैंने सुपर कार ड्राइव ही नहीं करी है। और मैं लेके जाने वाला हूँ भाई यहाँ से एक ब्लू कलर की सुपर कार। ब्लू कलर की सुपर कार चलाने का गाइस एक अलग ही मजा है। और गाइस अब यार मेरे को ना अपने लिए एक नया घर भी खरीदना होगा, क्योंकि ये जो मेरा पुराना वाला घर है ये तो गाइस मैंने उस बंदे को दे दिया जिसने मुझे अमीर बनाया है। तो मेरे पास क्या बचा है भाई, रात को मैं कहां पर सोऊंगा? इस गाड़ी के अंदर तो नहीं सोऊंगा। तो लेट्स गो भाई, निकलते हैं लॉस एंटोस के अंदर काफी बढ़िया घर ढूंढने के लिए। देखते हैं गाइस कौन सा घर मैं परचेज करूंगा। जिस हिसाब से गाइस अब मेरे पास पैसा आ गया ना, तो भाई मैं तो एक लग्जरी घर ही परचेज करने वाला हूं। घर नहीं गाइस, वो तो यार पूरी की पूरी यार हवेली होगी यार। और गाइस अगर आप लोग इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो फटाफट से गाइस कमेंट में यार नेक्स्ट एपिसोड लिख दो। हां गाइस यार फटाफट से कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख दो। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस? फ्रैंकली सिंचन आपकी भाई, तो यार फटाफट से गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब गाइस प्यारा वाला बाय। Man, you got off lucky, homie.